ओलंपिक दे विच भारतीय हाकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और 41 साल बाद देश की झोली दे विच कांसी मैडल आया है। सो इस टीम दे जिहड़ा मैच सी उस दे विच सिमरन ने शानदार प्रदर्शन किया और जित दे विच अहम भूमिका निभाई। सिमरन जिसने इस मैच दे विच दो गोल किए ने अज बटाला जी दफ्तर पहुंचे है, उस दे नाल आपां गलबात करते हैं कि इस मैच दे विच खासियत रही जिहड़ा कि 41 साल बाद जिहड़ी टीम है वह कांसी मैडल जित के अपने देश वापस परती है। सिमरन सब तो पहला तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत है अजीत दफ्तर दे विच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। कि 41 साल बाद अज देश की झोली में कांसी मैडल आया कि खासियत की रही इस मैच दे विच? खासियत सर ये कि साडा जर्मनी नाल मैच सीगा और असी जर्मनी नाल पहला भी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। सानू परसनली प्लेयरां नू बिलीव सीगा कि जर्मनी वर्गी टीम नू असी हरा सकते हैं और क्योंकि साडे कोल एक गोल्डन ओपरचुनिटी सी। इस तो पहला वाली ओलंपिक दे विच असीं ये ओपरचुनिटी साडे कोल नहीं सी, सैमीफाइनल लूज कर चुके सी, ईवन सॉरी क्वार्टरफाइनल लूज कर चुके सी, सैमीफाइनल विच नहीं पहुँचे। सो साडे कोल एक गोल्डन ओपरचुनिटी सीगी देश दे लई मैडल लैके आना, सो असीं वो ओपरचुनिटी अवेल की। सैमीफाइनल दे विच तड़ी हार बेल्जियम ने तुहानू हरा दिता सी, की लगदा की सी कि उस दे विच कुछ कमियां रह गईयां सी मैच दे विच? ऑफकोर्स सर हर मैच दे विच कुछ कमियां, कुछ प्लस पॉइंट ऐड हो जांदे आ, कुछ सानू कुछ कमियां देखण नू मिलदियां ने। उस मैच दे विच मैनू लगदा है कि असीं पीसी कंसीड कीते ते उहदे विच बेल्जियम नू बेनीफिट होया, ते नाल ही मैं कहना चाहूँगा कि बेल्जियम दे उस दे ड्रैग फ्लिकर ने अच्छे स्कोर किए तां उहनां नू इस चीज़ का बेनीफिट होया। बेल्जियम ओलंपिक भी बनया कि खासियत सी उस कुछ टीम दी? जी ऑफकोर्स नो डाउट सर, बेल्जियम पिछले लंबे समय तो टॉप 4 रैंकिंग दे विच आ रही है और वो वर्ल्ड कप भी चैंपियन आ। सो मैनू लगता कि बेल्जियम काफ़ी स्ट्रक्चर टीम आ, काफ़ी 8 या 10 साल तो सेम प्लेयर खेलते हैं, उन्होंने सेम कोचिज ने, तो इस चीज़ का भी उन्होंने काफ़ी बेनीफिट होया है। उस मैच के सिमरन उन्होंने सी खड़ाया गया, मौका नहीं सी मिलया, तो तुम लगता जो उस मैच के खेडते कुछ मैच का रिजल्ट होर हो सकता सी? मेरे खेलन या ना खेलन मैनू नहीं लगता मैच का रिजल्ट कुछ भी होना, जित हार तो एक मैच का हिस्सा आ, बट जो भी टीम ने परफॉर्मेंस दी अपनी बेस्ट दी। लास्ट जो मैच से तड़ा होया जर्मनी के नाल उस दे विच जिहड़े लास्ट वाले 6 सैकेंड से वह किवें दा माहौल सी? टीम ने कोई प्लानिंग की थी कि क्योंकि जर्मनी नाल मैच सी और एक मौका सी देश नू कांसी, क्योंकि मैड गोल्ड मैडल तो हथों निकल चुका सी और एक कांसी मैडल सी कि जिहड़ा असी जीत सकते सी, कोई टीम ने इस तो मैच तो पहला की प्लानिंग की थी? असी टीम मीटिंग यही प्लैन किया कि जर्मनी वर्गी टीम कभी भी गेम नू पलट सकती है क्योंकि उन्होंने इन्ना कैलीबर हैगा जर्मनी टीम दे विच। लास्ट ओलंपिक असीं देखिया सीगा न्यूजीलैंड नू उन्होंने लास्ट मिनट दे विच 2 गोल करके ब्रॉन्ज मैडल मैच जित लिया सी। सो साडे दिमाग विच इह वी सीगा कि जर्मनी वर्गी टीम नू एक एक बॉल दा रिजल्ट साडे लई मायने रखदा है, सो असीं हर बॉल दे लई पूरी अपनी एफर्ट कर रहे सी, वैल डिफेंस कर रहे सी, सो इस चीज़ का सानू बेनीफिट मिलेगा। दसो कि तुसीं ओलंपिक खेलन तो पहला किहड़े किहड़े टूरनामेंट खेल चुके हो? जी मैं 2016 विच जूनियर वर्ल्ड कप खेल चुके आ, उस दे विच असीं जित्ते सी लखनऊ दे विच बेल्जियम दे विरुद्ध, ते उस तो बाद एशियन गेम्स खेल चुके आ, उहदे विच साडा ब्रॉन्ज मैडल सीगा, उस तो बाद चैंपियंस ट्रॉफी उहदे विच सिल्वर मैडल सीगा और FIH सीरीज फाइनल्स एंड ओलंपिक क्वालीफायर राउंडस प्रो लीग्स सब कुछ खेल चुके हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਆਡਸ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੇਮਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਗੇਮਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਗੇਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਰੀਡ
सैमीफाइनल मैच हारन तो बाद उन्होंने तुहानू कोई टिप्स दिते, क्योंकि जरूर क्योंकि हार का कारण यह होएगा कि जरूर कितना कुछ खामियां रह गई होणगियां, तुहाडे कोच ने कोई क्योंकि लास्ट मैच से इस तो बाद तुहाडे कोच ने कोई टिप्स वगैरह दिते कोई स्पैशल टिप्स कि हाँ भी तुहाडे कोल लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस तो बाद कोई मौका नहीं? हाँ जी, टिप्स तो जो भी साढ़े असी मीटिंग्स होंगी है मीटिंग दे विच डिस्कस करते हैं हर टीम का प्लैन, बट उन्होंने जो हम सानू मोटिवेशन स्पीच दी उन्हें बहुत अहम रोल किया। उन्होंने सानू यह कहा सीगा कि तुसी ओलंपिक टूरनामेंट्स दे विच अप कंफर्ट जोन दे विच रह के नहीं खेल सकते, कोई भी टीम तुहानू ईजीली मैडल नहीं जितन देगी। उन्होंने कहा कि तुहानू अपने कंफर्टेबल जोनस तो बाहर आके खेलना पेगा, परफॉर्म करना पेगा, तुहानू अपना 100 to 200% देना पेगा हर बॉल के पिछे, तो जाके रिजल्ट तुहाडे फेवर च आएगा। इस उन्होंने इस स्पीच ने सानू मजबूर कर दिता, अगर 50-50 बॉल असी विन कीतियां ने तो इस स्पीच इस दे पिछे ये कारण सीगा कि उन्होंने स्पीच सी कि तुसी अपना 100 to 200 दोगे बॉल के पिछे तो बॉल साढ़े फेवर च आएगी, साढ़े को कंट्रोल रहेगा बॉल, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली ज़्यादा थकेगी तो सानू मोर ओपरचुनिटी मिलेगी। खिलाड़ियों के उत्ते कोई कितना दबाव से उस मैच के? मैनू नहीं लगता कोई दबाव सी, क्योंकि असी मीटिंग करके गए सी कि असी फुल फ्रैश माइंड खेलना है, कोई प्रैशर लैके नहीं खेलना, क्योंकि अगर प्रैशर लैके खेलते हैं तो असी अपनी नैचुरल गेम नहीं खेल पाने। पिछले एक दो मैचों सानू कोच ने कहा कि उन्होंने फील हो रहा कि तुसी प्रैशर लैके खेल रहे हो, उन्होंने कहा कि तुसी जस्ट अपनी नॉर्मल हॉकी खेलो जो तुसी प्रैक्टिस करते हो तो रिजल्ट अपने आप टेक केयर करेगा। तुहानू लगता है कि जे तुसी नॉर्मल हॉकी खेडी है तो रिजल्ट जिहड़ा पॉजिटिव आया? ऑफकोर्स सर, जो असी 1.5 साल to 2 साल प्रैक्टिस कर रहे सी ता ही करके सानू सिलेक्शन हुई सी साडी, क्योंकि असी नॉर्मल हॉकी खेली तो सानू सिलेक्ट किया गया, साढ़े कोच नू लग्या कि कैलीबर इन कि ये रिजल्ट लिया सकते हैं, तो जब उन्हें कहा कि तुसी अपनी नॉर्मल हॉकी खेलो सब कुछ ओलंपिक भुल जाओ जस्ट नॉर्मल मैच मैच नू मैच की तरह लो तो रिजल्ट तुहाडे फेवर च आऊगा। सिन्हा, ओलंपिक पहुँचने लिए तुहानू किन्नियां कु मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कुछ अपने निजी जीवन बारे भी दसो कि ओलंपिक खेडना, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ने पर हर कोई ओलंपिक नहीं खेड सकता, तुसी किवें चुने गए? सर ये या कि हर प्लेयर दे लाइफ दे विच मुश्किल्स आउंदे ने, अप्स एंड डाउनस आउंदे ने, जिहड़ा प्लेयर उसनू पॉजिटिव लैके चलता है अप्स एंड डाउनस नू थोड़ा साइड ते रख के अपना कंसिस्टेंसी थोड़ा फोकस करता है तो मैं लगता उसनू सक्सैस मिलती है। तो मेरी लाइफ च इवें आया कि कुछ अप्स एंड डाउनस आए लेकिन मैं अपना फोकस रख के मेरा एम एक एम रख के अपने आप में चलता रखिया रुकिया नहीं कभी, तो मैं लगा कि इसने मैं सिलेक्शन की वल में फोर्स किया। तुसी देखिया साढ़े नाल खिलाड़ी सन सिमरनदीप जिन्हें दसिया कि मैच के उन्होंने की मैच तो पहला जड़िया उन्होंने की तैयारियां कीतियां सी और की जड़िया कमियां रह गई सी उन्होंने दूर कीतियां जिसके कारण उन्होंने कांसी मैडल जीत के वो वापस आए ने। सो सिमरन ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही जो कांसी मैडल का जोड़ा रंग है उन्होंने गोल्डन के तब्दील करने पूरी मेहनत करे। बटाला तो विनीत गोयल के नाल सचलीन सिंह भाटिया, अजीत वैब टीवी। हर परिवार को चलाने वाली एक औरत होंदी है, औरत ही घर की जिम्मेवारी संभालती है, भावें बच्चों की पढ़ाई होए, भावें दवाई होए, भावें घर नूं इकट्ठा करना होए, हर परिवार की मुश्किल जे हल करती है तो एक औरत करती है। इस गल नूं ध्यान रखते हुए श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया कि नीले कार्ड होल्डर परिवार की मुख्य औरत नूं हर महीने 2000 रुपया महीना उन्होंने खाते दिता जाऊगा, साल का 24,000 रुपया उस मुखी परिवार की औरत के खाते दिता जाऊगा, जिस करके उस औरत नूं किसी चीज़ की मुश्किल ना पे। आ साडा वादा सारे परिवारों नूं है। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।